हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, राजस्थान रोडवेज चालक भर्ती को लेकर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। रोडवेज चालक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का जयपुर में विशाल प्रदर्शन, 5 को नियुक्ति देने और शेष चालकों का परिणाम जारी करने की मांग, ये रहेगा कार्यक्रम और ये रही मांगे। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, तो पूरी अपडेट देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, रोडवेज चालक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का जयपुर में विशाल प्रदर्शन, 5 को नियुक्ति देने और शेष चालकों का परिणाम जारी करने की मांग। तो पूरी अपडेट देख लेते हैं। राजस्थान रोडवेज चालक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण संघर्ष समिति की ओर से 5 दिसंबर को जयपुर में कांग्रेस कार्यालय, रोडवेज मुख्यालय और सीएम आवास पर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। समिति के प्रदेशाध्यक्ष प्रेम सिंह रावत के अनुसार 23 सितंबर 2013 में कांग्रेस सरकार की ओर से चालक भर्ती निकाली गई थी। प्रार्थीगण चालक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए थे, परंतु बाद में भाजपा सरकार ने अंतिम सूची परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके 1272 में से केवल 500 पदों का परिणाम जारी किया। इसके बाद उत्तीर्ण अभ्यर्थी रोडवेज में नियुक्ति देने की मांग करते रहे, लेकिन आश्वासनों के सिवाय कुछ नहीं मिला। तो ये रहेगा कार्यक्रम। समिति अध्यक्ष प्रेम सिंह के अनुसार 5 दिसंबर को प्रदेश भर से अभ्यर्थी सुबह 7 बजे सिंधी कैंप बस स्टैंड पर एकत्रित होकर रैली निकाल कर कांग्रेस कार्यालय पहुँचेंगे। वहीं PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को ज्ञापन देने के बाद रैली राजस्थान रोडवेज मुख्यालय पहुँचेगी। यहाँ रोडवेज MD को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद युवा रैली के माध्यम से सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे, वहाँ से शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर धरना देंगे। ये रही मांगे। मांगे क्या हैं देख लीजिए। रोडवेज भर्ती 2013 के शेष बचे 800 चालकों का परिणाम शीघ्र जारी किया जाए। परिणाम जारी होने के बाद सफल रहे अभ्यर्थियों को रोडवेज में नियुक्ति दी जाए। राज्य सरकार इस संबंध में पूर्व में जारी सभी आदेशों को निरस्त करने के साथ ही 800 चालकों को रोडवेज में भर्ती के किए जाने की वित्तीय स्वीकृति जारी करें। तो अगर हम बात करें कि रोडवेज भर्ती की नई चालकों की जो भर्ती है वो कब तक आने की संभावना है, तो ये मान के चलिए रोडवेज में नई जो आपकी वैकेंसी है वो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 में आने की पूरी संभावना है। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।